वो कार्यक्रम तो ऐसा रहा कि आप सब के आने से कार्यक्रम कामयाब हुआ। ये जो कार्यक्रम रेन रोमांस एंड रफी, हम बैठे बैठे अगम निगम जी और हम ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो बारिश भी हो रही थी तो ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो कुछ रफी साहब के, सभी बहुत बड़े प्रशंसक है रफी साहब के, तो हमने ये सोची कुछ ऐसे चुनिंदा गाने ली जाए जो आज की शाम प्रस्तुत किए जाए। तो उस तरह से बारिश के मौसम के हिसाब से भी हमने रखा था रेन रोमांस एंड रफी, तो गाने भी ऐसे ही चूज किए थे जो रफी साहब के वॉइस के अंदर आपको एक अलग ही एक रोमांच आता है, और हल्के हल्के जैसे तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, तुम जो मिल गए हो, जितने गाने थे मोस्टली रोमांस से और बारिश से रिलेटेड थे। फाउंडेशन ये जो फाउंडेशन हमारा जो है नटचाचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन, इसमें हम एक स्कूल बनाने जा बन रहा है हमारा सुजानगढ़ में, जिसके सुजानगढ़ विकास परिषद भी साथ है हमारे और काफ़ी लोग हैं, तो इसमें शिक्षा संगीत की, नृत्य की और वादन की, तीनों की शिक्षा दी जाएगी, और जितने बच्चे हैं आसपास के उनको सब प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जाएगी इसकी। और कार्यक्रम हम लोग लिविंग लीजेंड्स एक सीरीज करते हैं फाउंडेशन की तरफ से, और IMU भी अभी एक हमारी कंपनी वो भी जुड़ी हुई है इसमें, तो नए नए कार्यक्रम के साथ हम यंग आर्टिस्ट और एक सीनियर आर्टिस्ट उन सब के साथ भी हम कोशिश करते हैं कि सब हम मनोरंजन करें। हर्ष, रफी साहब का जब भी प्रोग्राम होता है तो मैंने हर्ष को भी मैं यही कह रहा था कि शायद कई ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं तब जाके शायद ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ कुछ गाने हमने लिए, क्योंकि इतने गाने हैं रफी साहब के ना जो दिलो दिमाग पे जहन पे छाए हुए हैं ना, तो रफी साहब के गानों का कभी भी एक प्रोग्राम नहीं हो सकता। एक प्रोग्राम तो वीरू जी आप इशारा समझ लीजिए और दो तीन और अनाउंस कर दीजिए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे बीच त्रिलोकी प्रसाद जी भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिंगर्स ऑफ द कंट्री इंडस्ट्री की मानी हुई हस्ती है पंडित त्रिलोकी प्रसाद जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि वीरेंद्र शंकर जी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और अपने दादा की पंडित गौरी शंकर जी की, अपने पिता भीमा शंकर जी की उस लेगेसी को, ये जो हर साल हर वर्ष लेजेंडरी लोगों के लिए जो शो करते हैं इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये बढ़ते रहें और हम सब लोगों का साथ है, आशीर्वाद है। और आज का कार्यक्रम, इनकी एक जो सोच थी कि बरसात, रफ़ी साहब और रोमांस, तो रफ़ी साहब के बारे में तो जितना कहें उतना थोड़ा है, और ये तो हमें सौभाग्य हुआ कि हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो वो तो बहुत ही बड़े कलाकार थे और इतने वर्सेटाइल थे कि क्या बात, उन्होंने जितने रंग गाए हैं रफ़ी साहब ने, वो क्या हर रंग को ऐसे लगता था जैसे यही स्टाइल इनका जो है वो इनका यही जॉनर है, तो वो आज भी, तब भी थे, आज भी हैं और कल भी याद रखेंगे। थैंक यू। एंड इट्स बीन एन इंस्पिरेशन, मतलब हम लोग ने जितना एक होता है इमोशंस को सुनना और इमोशंस से सीखना, तो रफ़ी साहब के जो गाने हैं आर लाइक एक, जैसे हम कहते हैं कि एक एग्जाम जैसे अगर एक सुन लेते हैं एक बारी, तो उनसे मतलब बहुत मज़ा आता है उनके गाने को सुनने में भी। तो अभी ये हमने ये कॉन्सर्ट किया, अभी वी आर लुकिंग आउट फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सर्ट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। अभी धीरे धीरे हमने कुछ महीनों पहले हमने सुनू जी का कॉन्सर्ट किया था बहुत बड़ा इन ऑर्बिट मॉल में, इस बारी हमने रफ़ी साहब का कॉन्सर्ट किया है इंक्लूडिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल सिंगर्स। तो अभी नेक्स्ट भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम जल्दी करने वाला है, एंड आप सभी को बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग सब आए और आपने ये इवेंट कवर किया। और आप लोगों ने भी जो कवर किया है वो भी तारीफ काबिल है, हमारे फेम मीडिया वाले सारे, क्या बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने स्पेशली तारीफ की थी।